भारत की आजादी से पहले की बात है। तारीख 9 दिसंबर 1946। सुबह का समय था और बाहर ठंड बहुत थी। लंबी और बड़ी बड़ी आंखों वाली एक महिला दिल्ली के मेडन्स होटल से बाहर निकली और अपने दो कुत्तों के साथ टैक्सी में बैठ गई। टैक्सी तेजी से कुतुब मीनार की ओर बढ़ी, जो करीब 20 किलोमीटर दूर थी। जैसे ही वो कुतुब मीनार पहुंची, उसने ड्राइवर को अपना हैंडबैग दिया और उसे वहीं रुकने के लिए कहा। वो अपने दो कुत्तों के साथ कुतुब मीनार की सीढ़ियां चढ़ने लगी। 240 फीट ऊंची कुतुब मीनार की चोटी तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। 379 सीढ़ियों में पूरी होती है 240 फीट की ऊंचाई। पर वो महिला ऊपर पहुंची। ठंडी हवा चल रही थी। कुतुब मीनार के चोटी पर खड़े होकर उसने एक बार चारों ओर देखा। अगले ही पल वो अपने दो कुत्तों के साथ नीचे छलांग लगा दी। ड्राइवर को दिया गया हैंडबैग में मिले सामान से पता चला कि उनकी नाम थी रानी तारा देवी। उम्र 33 साल, कपूरथला के महाराज जगजीत सिंह की छठी पत्नी। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद रानी तारा देवी को कश्मीरी गेट के पास निकोलसन सिमेट्री में दफना दिया गया।